आइए चलते हैं एक ऐसे शायर की तरफ जिसका एक मुख्तलिफ एक अलग अलहदा रंग है पूरी दुनिया में अपने अलग रंग के लिए जाने जाते हैं एक ऐसी शायरी जो बहुत ही नए जाविये से कही जा गई है और वो बरेली से हमारे दरम्यान तशरीफ़ लाते हैं शारिक कैफ़ी साहब जब जब आप उन्हें सुनेंगे वो हमेशा नए ही लगते हैं लेकिन वो जो है एक ऐसे शायर हैं जिन जो खामोशी से बात करना जानते हैं जनाब थारे थारे। थारे। बहुत शुक्रिया बहुत ज़्यादा संजीदगी से सुन रहे हैं आप लोग तो मैं बाद में आपको दो छोटी छोटी नज़में <laughs> संजीदा नज़में आपको सुनाऊंगा लेकिन पहले कुछ शेर मतलब देखिए कि हुआ भी इश्क तो हमको बहुत दुश्वार वाला आहा। हुआ भी इश्क तो हमको बहुत दुश्वार वाला उसे कुछ रोज वाला है हमें एक बार वाला हुआ भी इश्क तो हमको बहुत दुश्वार वाला हुआ भी इश्क तो हमको बहुत दुश्वार वाला उसे कुछ रोज वाला है हमें एक बार वाला बहुत छोटा था मैं तब से दुकान पर बैठता हूँ बहुत छोटा था मैं तब से दुकान पर बैठता हूँ सो घर में भी रवैया है वही बाजार वाला वाह वाह वा वा, 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 बहुत छोटा था मैं तब से दुकान पर बैठता हूँ सो घर में भी रवैया है वही बाजार वाला हमारा काम तो बस सिर्फ खबरें बेचना है हमारा काम तो बस सिर्फ खबरें बेचना है कहा अखबार पढ़ता है कोई अखबार वाला हमारा काम तो बस सिर्फ खबरें बेचना है कहाँ अखबार कहा अखबार पढ़ता है कोई अखबार वाला छिड़ी जब गुफ्तगु तो रात तक चलती रही फिर छिड़ी जब गुफ्तगु तो रात तक चलती रही फिर न वो इतवार वाला था न मैं इतवार वाला बहुत अच्छा है वाह वाह वाह। छिड़ी जब गुफ्तगु तो रात तक चलती रही फिर न वो इतवार वाला था न मैं इतवार वाला wow. दरी है चार पाई पर न पीछे गाँव तकिया <laughs> दरी है चार पाई पर न पीछे गाँव तकिया मगर माहौल है सारा किसी दरबार वाला <laughs> 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 वाह 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 दरी है चार पाई पर न पीछे गाँव तकिया मगर माहौल है मगर माहौल है सारा किसी दरबार वाला हुआ भी इश्क तो हमको बहुत दुश्वार वाला हाँ। उसे कुछ रोज वाला है हमें एक बार वाला हाँ। अब इस गजल में कुछ बहुत नाजुक नाजुक से शेर हैं तो खास तौर से तवज्जो और मतले भी खास तौर से तवज्जो देखिए काम तो देखो हमारा बन गया काम तो देखो हमारा बन गया तोड़ने भर का तो रिश्ता बन गया आए, आए। काम तो देखो हमारा बन गया तोड़ने भर का तो रिश्ता बन गया एक खिलौना बिक ना पाया शाम तक खिलौना बिक ना पाया शाम तक बेचने वाला खिलौना वाह एक खिलौना बिक ना पाया शाम तक बेचने वाला खिलौना बन गया बेचने वाला खिलौना बन गया ये भी उन हाथों का जादू है कि मैं ये भी उन हाथों का जादू है कि मैं थोड़ी मिट्टी में ज्यादा बन गया यह भी उन हाथों का जादू है कि मैं आए, आए, आए। थोड़ी मिट्टी थोड़ी मिट्टी में ज्यादा बन गया तब लिया लोगों ने दरवाजे का नाप हाय हाय हाय। अब बड़े बड़े शहरों में जो छोटे छोटे मकानों में लोग रहते हैं तो उन क्या करते हैं ये मसला भी हो जाता है तब लिया लोगों ने दरवाजे का नाप जब जनाजे का तमाशा बन गया तब लिया लोगों ने दरवाजे का नाप हाँ जब जनाजे का तमाशा बन गया जब जनाजे का तमाशा बन गया खुद मका तो हो नहीं सकता था मैं शेर देखिए खुद मका तो हो नहीं सकता था मैं थोड़ा थोड़ा सबका हिस्सा बन गया खुद मका तो हो नहीं सकता था मैं थोड़ा थोड़ा सबका हिस्सा बन गया अब दो वाकई छोटी नजमें और आमतौर पर यह तसवर किया जाता है कि बचपन कोई बहुत बेफिक्री की उम्र होती है लेकिन बच्चों की अपनी नफ्साती मसले होते हैं अब इसमें एक बच्चा है जो करदार है इस नजम का वो अपने बाप की बीमारी से बहुत खौफजदा है पहली एक आध लाइन आपको चौंका सकती है नज्म देखिए मोहब्बत की इंतहा पर पापा तुम मर जाओ ना पापा पापा तुम मर जाओ ना पापा, तुम जाओ ना पापा। मैं तुमसे नफरत करता हूं कश तुम लेते हो खांसी मुझको आती है दिल के दौरे तुम्हें नहीं मुझको पड़ते हैं आखिर कब तक रात में उठकर लाइट जलाकर देखूंगा मैं सांस तुम्हारी आहा, आच्चा, आच्चा, आच्चा। कब तक मेरी टीचर मुझको टोकेगी गुमसुम रहने पर कैसे बतलाऊं मैं कितना डर जाता हूं जब जब मेरी रिक्शा मुड़ती है घर वाले रस्ते पर आज भी कम बेचैन नहीं मैं मोड़ वस आने वाला है चैन पड़ गया आज भी मेरे घर के आगे भीड़ नहीं है यानी आज भी शायद सब कुछ ठीक है घर में यानी तुम जिंदा हो पापा अच्छा बाह। 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 एक छोटी सी नर्म एक छोटी सी नरम जी अच्छा एक नज्म का मूड है यहां पर कुछ इस तरह का है क्लाउड बहुत संजीदगी सुन रहे हैं सब इस नजम का है बारात का घोड़ा अब ये बहुत संजीदा नजम है मतलब ये मज़, कोई नज्म नहीं है खुदा तूने मुझे घोड़ा बनाया तो मगर बारात का खुदा तूने मुझे घोड़ा बनाया तो मगर बारात मगर बारात का जिसके आगे नाचते रहते हैं लोग नोट दातों में दबाए क्या नजर में है तेरी वो जुल्म जो मुझ पर हुए हैं इस कर्म की आड़ में रेस के मैदान के बदले किसी मंडप तलक का ये सफर कितना थका देता है मुझको क्या तुझे मालूम है क्या तुझे मालूम है दूल्हे का बोझ उसको बैठाने की जिम्मेदारियां और उस पर इस कदर हसास दिल जो समझ सकता है इस दिन के मानी क्या है दूल्हा के लिए कोई कैसा भी पटाखा छोड़ दे पैरों में मेरे शोर से बाजे के मेरे कान भी फट जाएं तो क्या चाल में अपनी जरा सा फर्क मैं आने न दूंगा पीठ पर बैठे हुए दूल्हा की इज्जत मेरी इज्जत हाँ मगर यह भी ख्याल आता है अक्सर मैं तो हर जिल्लत उठाकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा और करता आ रहा हूं तू मगर कब इस तरह सोचेगा उस मखलूक के बारे में जो तेरी अमामे हैं जो तेरी अवामे हैं